फ्रेंड स्वागत है मेरे चैनल रवि इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे। आज हम बात करेंगे बैंगन के वैरायटी के बारे में जो कि मैंने लगाया है। लगभग 4 से 5 कट्ठे में मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं, और वो भी फल दे रहा है, देख सकते हैं पूरे में बैंगन ही बैंगन लगा हुआ है। तो लगभग इसको लगाए हुए मुझे 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और लगभग अभी ये फल भी देने लगा है, लेकिन इसमें एक बीमारी देखिए आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि इसका टहनियाँ सूख रही है। इसके लिए मुझे इसमें दवाई डालना पड़ेगा और लगभग इससे लगभग रोज़ 700-800 का इनकम हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सभी प्लांट्स हैं। एक वीडियो अगले बार भी मैंने बनाया था जो कि आप लोगों को दिखाया, देखिए पूरे में उधर कांटे वाला गोल बैंगन है और इधर लंबे वाला बैंगन है, दोनों लगा हुआ है और दोनों फल दे रहा है, देख सकते हैं। सभी में देखिए फल लगा हुआ है और फूल भी अच्छी खासी सभी में आ रही है, देख सकते हैं बैंगन फ्रेंड्स लगा हुआ है, काफ़ी शानदार पौधा है। लेकिन वही दिक्कत आ रही है कि इसका टहनियाँ सूख रहा है कुछ प्लांट्स का, बाकी तो सभी ठीक ठाक ही है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सूख रही है वो कैसा दिख रहा है, और सभी में बैंगन लगा हुआ है, देख सकते हैं, देखिए सभी में तीन चार फरे हैं और सभी रोज़ लगभग तोड़े जा रहे हैं। पूरे खेत में देख सकते हैं बैंगन ही बैंगन लगा हुआ है। अभी तक मैंने इसमें 2 खाद डाला है जो कि है NPK 19-19-19 और एक मैंने एक बार DAP दे के इसकी गुड़ाई की थी और एक स्प्रे किया था हमने 052-34 का, NPK का ही था। तो लगभग वही 2-3 दवाई और खाद दिए हैं और फल फ्रूट का 2 छिड़काव मैंने किया है। देखिए ये कांटा वाला बैंगन है, गोल वाला, आप लोग देख सकते हैं ये भी फरा हुआ है, देख सकते हैं छोटा छोटा भी फल है, सभी में लगभग फल आया हुआ है और फूल भी देख सकते हैं सभी में है, सभी बैंगन फल दे रहे हैं। तो लगभग इसे लगाया 2.5 से 3 महीना हो चुका है और काफ़ी बड़ा बड़ा प्लांट्स है, आप लोग देख सकते हैं पूरे में लगा हुआ है, रोज़ लगभग 800-900 का ये बैंगन ये दे रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले समय में इसी तरह की वीडियो दी जाएगी, सब्जी से, किसानी से, खेती से जुड़ी तमाम चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और पपीता का भी वीडियो इस चैनल पे आएगा और डाला भी गया है। जो भी भाई करना चाहते हैं पपीता का खेती वो लगा कर देख सकते हैं और सब्जी का भी खेती करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं देता रहूँगा और जो भी भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना फरा हुआ है, देख सकते हैं सभी में लगभग
बैंगन लगा हुआ है। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई करना चाहते हैं, बैंगन की खेती, पपीते की खेती और भी तमाम जानकारी जो दी जाएगी वो शेयर करते रहें। देख सकते हैं सभी में बैंगन लगा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए सभी में दो चार सभी में लगा हुआ है। तो लगभग इसे 2.5-3 महीने लगाए हुए हो गया है। और वही एक बार मैंने NPK 19-19 का छिड़काव किया, एक बार 052-34 का छिड़काव किया और दो बार मैंने फल फूल और फूल झड़ने वाला जो है उसका छिड़काव किया है और एक बार मैंने DAP और यूरिया इसमें दिया है। फ्रेंड्स लगभग 2.5-3 महीना हो चुका है, अब फल देने लगा है और ये रोज़ इसकी तोड़ाई की जा रही है। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल पर बैंगन की खेती में। उस तरफ देखिए पपीता लगा हुआ है और इधर बैंगन है और 10-20 पेड़ देखिए उधर मिर्ची का भी लगा हुआ है जो कि ख़राब होने के कगार पे है। फूल तो आया हुआ है लेकिन फल नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसमें मेहनत कर बैंगन की खेती कर अच्छी इनकम ले सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको इनकम। तो फ्रेंड्स जो भी बैंगन के बारे में जानकारी चाहते हैं वो हमसे ले सकते हैं और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बैंगन का पेड़ सभी है, स्वस्थ है और वही गोल वाले जो कांटे वाला है उसमें थोड़ी टहनियाँ सूखने की दिक्कत आ रही है जिसका छिड़काव मैंने कर दिया है। देखते हैं कब तक वो ठीक होता है। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रवि इंटीग्रेटेड फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें जो भी खेती किसानी से जुड़ी हैं और फार्मिंग से जुड़े हैं। फ्रेंड्स इसमें सब कुछ मैंने कितना टाइम हुआ है, फल भी आपको दिखा दिया है, कितना फल दे रहा है बैंगन, कितना टूट पा रहा है, कितना इनकम हो रहा है और आगे जो इससे जुड़ी और जानकारी हम देते रहेंगे क्या दिक्कत और क्या फ़ायदा इससे हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले।